तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बुंदेली तड़का में। आज मैं बनाने वाली हूँ बुंदेलखंड की ट्रेडिशनल सब्जी बेसन टमाटर बेसन की सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं सब्जी बनाना। सबसे पहले बेसन डाल लेंगे एक बाउल में, चार कटोरी पानी, जितना पतला बैटर हम कढ़ी के लिए घोलते हैं उतना बैटर इसके लिए भी घोलना सब्जी के लिए। अब अच्छे से घोल लेंगे, सारी गांठों को तोड़ देंगे। अब हम डालेंगे मसाले, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच नमक। अब इनको अच्छे से मिला लेंगे। बेसन बनाने के लिए मैंने एक प्याज ली है, दो टमाटर और तीन हरे मिर्च। अब इनको हम अच्छे से काट लेंगे। कढ़ाई में तेल डालेंगे, थोड़ी सी जीरा, तड़का लगाएंगे हम जीरा से। जीरा हमारा लाल हो चुका है, अब हम इसमें प्याज और मिर्च डाल देंगे। प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गई, अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। टमाटर को अच्छे से पकाना है ताकि गल जाए। टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल गए हैं, अब हम इसमें बेसन ऐड कर देंगे जो हमने घोल रखा है। अगर आपके घर में कोई सब्जी ना हो या कुछ अलग खाने का मन करे तो ये बेसन वाली सब्जी जरूर ट्राई करके देखें, बहुत टेस्टी लगती है। अब हम इसे धीमी आंच पर पकाएंगे, गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और धीमे धीमे आंच पर पकाएंगे, जैसे हम कढ़ी को पकाते हैं सेम वही प्रोसेस है। पंद्रह से 20 मिनट हो गए और हमारा बेसन अच्छी तरह से पक गया है, देखिए कितना गाढ़ा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब